उस समय का अच्छा सिला दिया वो, तब मैंने गाया था जब मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड से मेरा कि एक बड़ा गंदा सा ब्रेकअप हुआ था मेरा। अच्छा, ये हो चुका था तब? हाँ, उस समय हुआ था और वो बड़ा सैड था मामला, क्योंकि मेरा मैं तो आई वाज सो शाय, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो ये लड़की से बाई चांस मेरा अफेयर हुआ था उस समय। म्यूजिक के ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल बिकॉज एक बड़ा कमाल का एग्जांपल हो गया है कि यही गाना आपने पहले गाया है और अब आजकल के दौर में आजकल के हिसाब से भी गाया है। इज इट रियली आजकल के दौर के हिसाब से गाया है? हाँ, मैंने गाया है, मैंने गाया है। उस समय मैं मतलब जब नया नया आया था तो एक दिमाग में था कि भाई इस गाने को रफी साहब कैसे अटेंड करते हैं, तो उसको दिमाग में रख के गाया था। इस बार जो गा रहा हूँ तो बहुत सारे गाने गा चुका हूँ मैं, 6,000 होंगे, 5,500 होंगे, मुझे पता नहीं कितने हैं, आई डोंट नो, ऐसी लिखा है राउंड फिगर 6,000, आई हैवंट स्टिल काउंटेड, मेरे पास सब गाने पड़े हुए हैं हालांकि। लेकिन इतना एक्सपीरियंस के बाद में जब आप उसी चीज़ को दोबारा गा रहे होते हो तो उसके पीछे गानों का टेक्निकल एक्सपीरियंस भी होता है और जीवन जो आपने जिया है ना, वो भी तो होगा ना, कि उस समय का अच्छा सिला दिया वो, तब मैंने गाया था जब मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड से मेरा कि एक बड़ा गंदा सा ब्रेकअप हुआ था मेरा। अच्छा, ये हो चुका था तब? हाँ, उस समय हुआ था और वो बड़ा सैड था मामला, क्योंकि मेरा मैं तो आई वाज सो शाय, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो ये लड़की से बाई चांस मेरा अफेयर हुआ था उस समय। अच्छा नहीं लगा मुझे कुछ उसने ऐसा किया जो मेरे दिल टूट गया था। मैं बहुत नाजुक था, मतलब लड़की को देखता भी नहीं था, शर्माता था, तो उसमें किसी ने ऐसे दिल तोड़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ था। और चांस की बात है कि मेरे को पहला गाना हिट मिला, यही मिल गया। फिर मैंने लाइन लगा दी, वो लड़की सोचती होगी तो मेरे पीछे पड़ गया हर गाने में मुझे गाली दे रहा है। तो अगले फिर 2-3 एल्बम तक उसको मैंने गाली पे गाली दिया, मैंने नहीं दिए, गुलशन जी ने दिलवाई गालियाँ। तो वो धोखा अलग था, वो दुख अलग था। अब ऐसे इस गाने में मच मैच्योर एंड देन सिंगिंग स्टाइल चेंजेस, टेक्स्चर आवाज़ का चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा। तो इफ़ यू सी, मैंने गाया तो वैसे वही गाना गाया है, आपको लगेगा वो भी सोनू गा रहा था, ये भी सोनू गा रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत रियाज अच्छा है मेरा। तो 31 सालों में मेरी आवाज़ बदली नहीं बहुत ज़्यादा, वरना इफ़ यू सी एनी सिंगर 31 ईयर्स पहले उसकी आवाज़ की थी, 31 ईयर्स के बाद में आप किसी भी सिंगर को मैच कर लो, बहुत चेंज है। कहाँ 1992 के एंड में गाया था गाना मैंने, 92 के एंड में, उसके बाद आज 31 ईयर्स के बाद में गाना आ रहा है, आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं बदली है और टेक्स्चर अच्छा लग रहा है। मैंने वो मेंटेन कोशिश किया है कि रियाज से और उसे बुक करें, और लोगों ने एक्सेप्ट भी बड़ी जोर से किया है। मुझे तो ऐसे कॉल आ रहे हैं, ऐसे सॉरी मैंने, अरे मुझे तो ऐसे कॉल आ रहे हैं बिना छुए करता राइट, कमेंट सेक्शन भी मैं देख रहा हूं या जो भी बातें देख रहा हूं, इट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक वन डे, व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज सो, एक छोटी छोटी ऐसी खुशियाँ अपने लाइफ के स्वेटर में एक एक वो बन के हो जाती है, तो मजा आता है उस चीज़ का। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम गोइंग ऑन राइट एंड आई एम एंजॉइंग, ये जो प्यार व्यार मिल रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर ऑल्सो एंजॉइंग इट, वी आर इनफैक्ट एंजॉइंग दिस कॉन्वर्सेशन। वो जो आपकी एक मस्ती वाली साइड है ना, वो बड़े कमाल की है, और वो कंट्रोल वो, कर रहा हूँ मैं नहीं वो हमेशा ऐसे ही रहे तो हमको बड़ा खुशी होगी, बिकॉज वो ऐड करती है, आई थिंक वो आपकी पर्सनालिटी पे बड़ा एक अलग चार चांद लगाती है। आप मेरे को बोलो, पर्सनालिटी की बात करें, सो यू आर अमंग्स दोस लाइक बड़े गिने चुने सिंगर्स में से आप एक हो जिन्होंने हेयर स्टाइल को लेके, कपड़ों को लेके, हर चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया। और कौन है बताओ नाम? तभी तो मैंने कहा गिने चुने नहीं है, अकेला मैं हूं, ये खुराफा सिर्फ मेरे अंदर ही है। राइट, कैसे? और तब भी अच्छा, शुरू से शुरू करते हैं। तो तब Was it because आप सर के साथ परफॉर्म करते थे जो लंबे बाल, because उस समय लंबे बाल की परमिशन नहीं मिलती थी? अरे नहीं, स्कूल भर में हमको लंबे बाल अलाउड नहीं थे, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो 18th की एज में, 12th के बाद तो मैं स्कूल से तो निकला था तो तक... ये तो भड़ास थी जो मैंने कहा, ये बाल नहीं थे, ये भड़ास थी। मैं रोज भड़ास बनाता था, मैं बाल नहीं बनाता था, मैंने बोला जितने लंबे हो सकते बाल बनाओ। राइट, एंड सो वाज कूल विद इट। पापा का बेचारे, हम उनको क्या बोलेंगे, उनको पता था कि जो भी है राइट बालों के लिए, उनको तो ये था कि बस बच्चा खुद रियाज कर रहा है, मैं दिल्ली जाता हूँ तो खुद झाड़ू भी मार रहा है, पोछा भी मार रहा है, कपड़े भी धो रहा है, बर्तन भी मांज रहा है, खाना भी गंदा गंदा खाना बना रहा है, चलो खा तो रहा है, और बसों में घूम रहा है, टू व्हीलर में घूम रहा है, दोस्ती यारी नहीं कर रहा, लड़कियां नहीं घुमा रहा, उसमें खुश थे वो, बाल बढ़ा ले बेटा, जो बाकी ये सब जो करे वो ठीक है, ये सही है। कभी कभी कुछ और मन हुआ करने का कि यार सिंगर शुरू से, ऑफ कोर्स मे बी सर का इन्फ्लुएंस या ऐसा कह सकते हैं, नहीं नहीं, व्हाट वाज इट? मैं अच्छा बच्चा था, सारा क्रेडिट अब सर को मत देना, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही होंगी, ग्रहण तो मैंने किए,
ग्रहण तो मैंने किया। बाप अपने बच्चों को बहुत सारी बातें बोलते हैं, बट सुनते कितने बच्चे हैं, सुनते कितने बच्चे हैं, ये तो मैं समझ गया। लेकिन कभी कुछ और भी मन था कि दैट सोनू निगम वांटेड टू डू दिस? बच्चों का छोटे मन में ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट आईएएस डॉक्टर इंजीनियर, बड़ा कन्वेंशनल सी चीज है। अच्छा, इसका मतलब यू थिंकिंग दैट माय फादर वुड बी टू सी? नो, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे फादर ने मुझे कभी कुछ नहीं। हां, मैं वही कह रहा हूं, वो खुद से इन्फ्लुएंस आए, क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं अपनी क्लास का टॉपर्स में से एक था, पढ़ाई का मुझे इतना शौक था जो अभी तक है। आज भी मेरा रेगुलरली मेरा जो टाइम जाता है वीडियो देखने में या कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ने में, जैसे क्वांटम स्पेस हो या ब्लैक होल्स हो या मतलब जो इस सब चीज़ों के बारे में मुझे अभी भी बहुत जिज्ञासा रहती है कि यार चाहे या लैंग्वेज हो, कोई नया वर्ड सीखना हो, उसका एटिमोलॉजी क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये सब चीज़ें हम लोग अभी भी करते रहते हैं। हाँ। पहले भी ये सब थे एंड दिमाग में था कि कभी साइंटिस्ट बनेंगे यार, नहीं तो फिर थोड़े और बड़े होते आईएएस ऑफिसर बनेंगे यार, उसमें आईएफएस में जाएंगे, दुनिया घूमेंगे, कहीं पर एम्बेसडर बनकर जाएंगे। तो खूब अच्छी जनरल नॉलेज बहुत बढ़ गया था मेरा उन दिनों में। लेकिन जब 14 साल का हुआ और गला जब खुला ना, तो मालूम पड़ा कि इसके अंदर तो उससे अच्छी आवाज़ निकल रही है। पापा सबने बोला कि यार आवाज़ अच्छी निकल रही है इसकी, जो आसपास के लोगों ने बोला शुरू कर दिया, तो बहुत तैयार आवाज़ है, अच्छी आवाज़ है, सुंदर आवाज़ आई है। क्या होता है, सिंगर होना ठीक है, लेकिन अच्छी आवाज़ हो तो ये किस्मत की बात है। सुनने में आवाज़ कर्कश ना लगे, लोग सुनने में लगा रही है हाँ कितनी अच्छी आवाज़ है, उसके बाद अब तैयारी अच्छी कर दो तो और मज़े बात है, आवाज़ भी अच्छी है, तैयारी भी अच्छी कर रहा है। तब गाने को ध्यान दिया, फिर मालूम पड़ा कि मैंने कॉम्पिटिशन पर कॉम्पिटिशन जीतनी शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता जाके मालूम पड़ा कि यही अपना ध्येय ये है। हाँ। इधर ही जाएंगे। राइट। सो पापा को कभी कहने की आवश्यकता पड़ी नहीं। हाँ। क्या बनना है, ये रियाज कर, ये बनना, उनको पता था कीड़ा आदमी है तो इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, खेलेगा तो भी जी जान से खेलेगा। Exactly. पढ़ेगा तो भी जी जान से पढ़ेगा और रियाज करेगा तो भी जी जान से रियाज करेगा।